पूछ रही है, अच्छा ठीक है. सो एज आई एम शेयरिंग कि मेरा सबसे बड़ा पर्सनल फेयर ये था कि मैंने पब्लिकली स्पीकिंग कैसे करनी है, या सपोजिंगली अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो ज़ाहिर है मैंने उसको जो भी काम करना है मैंने उसको बेचना है. जब आपने बेचना है तो आपने 10 लोगों से बात करनी है. 10 लोगों से बात करते हुए बहुत सारे फेयर्स आपके आते हैं कि अगर आप सवाल उठाएँ या ना उठाएँ, आप किसी से बात करें. हमारे जो जेंडर के मामला होते हैं वो एक अलग इशू है कि सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंटली देखती है. So this is like one fine day I decided that whatever opportunity I will get on my way, I will not say no. And if I look back, तो दो चीज़ें मैंने नहीं छोड़ी. And if I am a little successful at this point in time after two decades, so I think that was the point. एक तो I didn't stop. Otherwise, अगर मैं घर बैठ जाती, I had three kids, family के साथ, और अगर मैं एक उस पर एक दफ़ा कर लेती और एक I didn't stop learning. दो चीज़ों की वजह से, और फिर ये वन फाइन डे मैंने डिसाइड किया कि भाई पब्लिक स्पीकिंग मैंने करनी करनी है. किसी को अच्छा लगे ठीक है, और एज फहद सेड के किसी को बुरा लगे तो बैठ जाएगी मैं तो कोई बात नहीं. एंड दूसरा ये बहुत बड़ा फेयर हमारा जो है लोग क्या कहेंगे. सो ये आप में से कितने लोग इस फेयर को फेस करते हैं, आधे डर के हाथ में उठा रहे, फेस तो सारे करते हैं. अबू क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, वी ऑल फेस दिस फेयर. तो इस फेयर को भी मैंने कैसे कन्फ्रंट किया ये एक अलग स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी. सो दिस इज माई एक्चुअली अप्रोच टू लाइफ. अब आप सब कहेंगे कि ग्रोथ समिट में व्हाई एम आई शेयरिंग सर्टेन पर्सनल थिंग्स, एंड सो वी ओनली लिव वन डे बट वी ओनली डाई वंस, वी लिव एवरी डे. सो इफ यू स्टार्ट चेंजिंग योर माइंड सेट, changing your approach, changing your way of looking at things, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके रास्ते में आ रही होती हैं, अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोचते हैं तो हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही चलते रहते हैं. सो एक के बाद एक प्रॉब्लम आता है. अगर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं तो हमारे फिर सोल्यूशंस की साइड पे काम स्टार्ट हो जाता है. सो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है. So during all that time, from 2008 when I closed down my first business, and then in 2016 when I restarted it, इस 8 साल के अरसे में मैंने बहुत सारे टाइम पे मैंने बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ असेसमेंट सेक्टर में काम किया, टेस्ट कंडक्शन साइड पे काम किया, आई टॉट एट विजिटिंग फैकल्टी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया. आई जस्ट डिडंट स्टॉप, वट एवर कम्स माई वे आई केप्ट ऑन डूइंग इट. सो 2016 में वी स्टार्टेड टू बिजनेसेस अगेन, थोड़े से सोशल इशूज़ को सॉल्व करके, बच्चों को थोड़ा बड़ा करके. सो आई स्टार्टेड 2016 अगेन दो बिजनेस. एक तो हमारा जो पिछला बिजनेस था व्हेन आई वाज रनिंग माय ओन आउटलेट, एंड आई थॉट कि हमारे वहाँ खवातीन के लिए पूरी कंप्लीट आउटलेट चलाना, मैनेज करना उसको बहुत मुश्किल है. सो आई स्टार्टेड अ सोशल एंटरप्राइज वर्किंग ऑन दैट साइड कि हम सारी इनेबलिंग एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करें खवातीन के लिए, या हम उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक जगह कैसे इकट्ठा करें, या हम इन हम कार एक्चुअली भी से कि अगर यह कतरे खूनदारी, अगर मुझते परिदारे, बयामन बातवा मौसम तरीके शाहबाजी है. तो अगर आपके पास एक कतरा खून है और अगर आपके पास एक मुट्ठी भर पर है तो हम आपको सिखा सकते हैं कि आपने करना कैसे. मेरा टाइम अप इतनी जल्दी कैसे हो गया है, वेटेड फॉर अबाउट 1.5 आवर, सो आई एम नॉट लीविंग द स्टेज फॉर अबाउट एटलीस्ट नेक्स्ट 5 मिनट्स, आई एम सॉरी. सो दिस इज द जर्नी, आई कांट एक्सप्लेन द जर्नी एट दिस पॉइंट इन टाइम विद इन 5 मिनट्स. So we started off in 2017 and now we are the first private company in Pakistan which is working in assessment domain. Secondly, abhi leap ka tazkira Vanessa sahab ne kiya, to I was the only woman at business jo ki hum leap mein Pakistan pavilion pe I was representing. Thirdly, I became an entrepreneur. मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ, जिसपे ये फर्स्ट वाली पिक्चर में जो स्कैनिंग हो रही है वो मेरे बच्चे स्कैनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस वक्त टीम बहुत शॉर्ट थी. देन वी बिल्ड अप इन लाइक लास्ट 4 ईयर्स, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ टीम ऑफ अबाउट 38 पीपल. दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी शेयर्ड हम कार के बारे में कि हम कार में क्या काम कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग, आई एम एक्चुअली ट्राइंग इन दिस पर्टिकुलर सोशल एंटरप्राइज टू मिटिगेट द चैलेंजेस ऑफ ऑल दोज वुमेन इन बिजनेसेस, आर्टिजंस, क्राफ्टर्स, जो मुझे फेस करने पड़े. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग इन माई ओन कैपेसिटी, एंड आई वुड एक्चुअली लाइक यू ऑल टू जॉइन द कॉज
एंड वॉट एवर यू कैन डू. फॉर एग्जाम्पल अभी उस्मान बात कर रहे थे तो आई वॉज थिंकिंग वी कैन कनेक्ट ऑल दीज वुमेन विद उस्मान टू टेक थ्रू द नेटवर्क ऑफ दीज 17 कंट्रीज व्हाटएवर यू हैव क्रिएटेड सो फार. आई डोंट हैव टू गो थ्रू दैट लाइन अगेन. सो इट्स लाइक आई बिलीव इन कोलैबोरेटिव मॉडल कि हम कोलैबोरेशन में कैसे काम कर सकते हैं. हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की जगह हम कलेक्टिव डेवलपमेंट में कैसे काम कर सकते हैं. वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट ऑल दोज चैलेंजेस फॉर दीज वुमेन. सो दीज आर मल्टीपल इवेंट्स जो हमने खवातीन के साथ कराए. सो वी ट्राई टू बिल्ड मल्टीपल ब्रांड्स बाई कनेक्टिंग द आर्टिजन्स एंड द क्राफ्टर्स विद द ब्रांड्स. एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ डिस्प्ले सेंटर फॉर दैम इन बैरियर. तो हम उनको डिस्प्ले भी प्रोवाइड करते हैं. जस्ट लेट मी क्विकली गो थ्रू दिस ताकि अगली पर्ची ना आ जाए. सो आई वॉज द ओनली एंटरप्रेन्योर सिलेक्टेड फॉर प्रोग्राम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप बाई US Embassy फ्रॉम पाकिस्तान, जिसमें 100 डिफरेंट लोगों के 100 डिफरेंट कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स थे. एंड आई वॉज वेरी ऑनर्ड टू बी सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम लास्ट ईयर. थैंक यू. एंड दिस इज जो हमारा पाकिस्तान पवेलियन था, हमने वी वर एग्जिबिटिंग एज द ओनली वुमन एट स्टार्टर देयर. सो इन रेड मार्कर में हम क्या करें, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. आई अर्ज ऑल द वुमेन अवेलेबल हेयर जो हमारे साथ रजिस्टर करें, दे कैन ट्रेन गेट ट्रेनिंग विद अस. उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उनको एंगेज करते रहते हैं. इसके अलावा जो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम्स देने का प्रोसेस था, एक आप में से कितने लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, आई बिलीव एवरी वन हैज गिवन दैट. जिन्होंने नहीं लिए पता नहीं कहाँ रहे, हम तो सारी जिंदगी पेपर देते रहे. सो हर एक ने कोई ना कोई एग्जाम जिंदगी में कहीं ना कहीं दिया है. सो वो एग्जाम जो है उसका प्रोसेस आपको याद होगा. यू कैन जस्ट रिवाइज योर मेमोरीज कि आपने क्वेश्चन पेपर था, फिर क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ, फिर पेपर आपका चेक हुआ, फिर पेपर चेक होने के बाद उसके मार्क्स आए, फिर आप रो रहे थे कि मेरे नंबर सही नहीं आए, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पेपर सही नहीं लगे, नंबर सही मार्क नहीं हुए. फिर आप बोर्ड में गए, आपने री चेकिंग कराई, आपका सारा वो जो प्रोसेस था. सो वी आर एक्चुअली वी हैव डिजिटलाइज द होल प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन इन रेड मार्कर सिस्टम्स. सो वी आर द ओनली प्राइवेट कंपनी इन पाकिस्तान विच इज़ वर्किंग विद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस. कि क्वेश्चन बनेगा कैसे और क्वेश्चन चेक कैसे होगा, उसको हम एक टीचर की एक नॉलेज की बेस पे ना रखें. वन ऑफ माई नीज वाज सेइंग कि मैंने पेपर बहुत अच्छे दिए हैं, अब टीचर कह रही है कि आप दुआ करें कि आपका पेपर अच्छे टीचर के पास जाए मार्क होने के लिए. तो हमें सिर्फ दवाओं पे काम ना करना पड़े, हमें दवा भी सही हो हमारे लिए, एक रूब्रिक बेस्ड मार्किंग हो रही हो, उसके लिए हम लोगों ने मार्किंग का ये सिस्टम बनाया. सो आई एम सॉरी फॉर टेकिंग मच मोर टाइम दैन अलॉटेड, बट आई होप दैट आई हैव मेड श्योर कि हम जो भी काम कर रहे हैं फॉर एजुकेशन सेक्टर और फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, आई वुड लाइक यू ऑल टू जॉइन द कॉज, जॉइन अस. आई एम एक्सट्रीमली रीचेबल इन ऑन सोशल मीडिया. हम मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं अनलेस वी गो दैट. जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुशाबा फरीदी चिरागा फरीदम, कि अल्लाह ने रात बनाई और हमने चिराग बनाया तो हमने भी छोटे छोटे चिराग बनाए. थैंक यू सो मच.